तो पार्ट फोर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नियान के काफी बार जगाने से हुली को होश आता है, पर तभी नियान ने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलते हुए देखा था। इस वजह से वो घर लौटकर यांगजे को कॉल करके इस बारे में पूछती है। वहीं हुली को यहाँ सीक्रेटली भेजने का रीजन भी पूछती है। यांगजे आखिरकार उसे बता ही देता है कि केविन एंटरटेनमेंट हुली को मारना चाहता है। जो सुनकर जीनियन तो शॉक रह जाती है, तो वो हुली को घर में ही रहने के लिए कहती है और कुछ काम से बाहर चली जाती है। इधर ईफे तो चाकू लेकर पहुंच जाती है दोंगजन के घर से धमकी देने के लिए, पर दोंगजन उसे समझाता है कि हुली अब सच में नहीं रहा है, वो वापस नहीं आएगा। ईफे आखिरकार मान ही लेती है और हुली को ढूंढने का मिशन बंद करती है। इधर जीनियन गई थी वांगजे से मिलने के लिए, जहाँ वांगजे उसे बता देता है हुली असल में एक एआई है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता। अगर उसे एक बार पता चल गया उसके लिए बुरा साबित हो सकता है। अगर उसने जीने की चाहत को खो दिया तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, फिर उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जो सुनकर जीनियन तो और शॉक्ड हो जाती है। वहीं इधर हुली को गैस ओवन टच करने से शॉक लगता है, इलेक्ट्रिसिटी उसी में से लीक हो रही थी, जिससे उसके दिमाग में दोबारा से वही हुली वाले इमेजेस आने लगते हैं। वहीं फिर से वो बेहोश हो जाता है। तो जीनियन घर पहुंचती है, उसे ऐसे जमीन में पड़ा हुआ देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कुछ देर में हुली को होश आ जाता है। हुली उसे बताने लग जाता है कि उसे फिर से कुछ दिखाई दिया था, इस बार तो उसे नाम भी सुना दिया जो हुली हुली कह रहा था। सुनकर जीनियन तो बहाना कर देती है और उसे शावर लेने भेज देती है, पर बाथरूम से उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जीनियन भाग कर बाथरूम में घुस जाती है क्योंकि उसे लगा कि शायद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही थी, पर हुली ने अपने फेस पर पिंपल्स देखकर चिल्लाया था। अब एक एआई के फेस पर पिंपल से ही हमें पता चलता है कि इनकी कंपनी की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। तो जीनियन जल्दी से अपनी आंखें बंद करके बाहर भाग जाती है। इधर कॉफी शॉप में युआन की गर्लफ्रेंड मैंग आती है, जिसे जीनियन वहाँ नहीं मिलती तो वो लिली से कहती है कि अगर वो मुझसे नहीं मिली तो मैं जीनियन का एड्रेस फोन नंबर सब कुछ ऑनलाइन लीक कर दूंगी, इसलिए कल उसे मुझसे मिलने आने के लिए कहना। वहीं इधर डोंगजन ईफे को घर छोड़ देता है। जीनियन तो पूरे दिन बस हुली की केयर करने में लगी थी, जिससे हुली को थोड़ा डाउट होता है कि आज इसे हो क्या गया है, काम पर भी नहीं गई है, मुझसे इतनी अच्छी तरह से बिहेव कर रही है। पर जीनियन बताती है कि आज वो छुट्टी पर है। वही जीनियन के दिमाग में तो बस हुली की एआई वाली बात ही घूम रही थी। बन खाते खाते उसका फेस फनी सा हो जाता है, तो हुली उसे कहता है कि तुम बहुत क्यूट एंड फनी लग रही हो, इसलिए मैं आज से तुम्हें मान तो बुलाऊंगा, अशी तो तुम मान तो। जीनियन तो ब्लश करने लगी थी, देन वो अपने आप को संभाल कर कहती कि वो बस एक एआई है, उसे उसके चार्म से बचकर रहना होगा। उसके दिमाग में तो हुली की बात चल रही थी। फिर उसे याद आता है कि वो एक एआई है, उसे रिचार्ज तो कहीं से करना होता होगा। रात हो चुकी थी इसलिए वो वांगजे को कॉल नहीं करती, वो खुद ही चेक करने चली जाती है, जहाँ हुली भी जीनियन के बारे में सोच रहा था। उसके आने की आवाज सुनकर वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लग जाता है। जीनियन तो आती है, उसके फेस पर बॉडी पर हाथ पैरों पर जग करने लग जाती है। हुली उसे खींचकर बेड पर ले आता है, जहाँ वो उसे किस करने जा रहा था कि तभी जीनियन उसे लात मारकर भाग जाती है। पर उसे सपने में भी हुली ही दिखाई देता है, जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो उनकी किस होने वाली थी कि हुली अलार्म बजाकर उसे जगा देता है और पूछता है कि ये तुम पाउट किस लिए कर रही थी। जो सुनते ही जीनियन तो एम्बेरस होकर भाग जाती है। जब कैफे पहुंचता है तो उसे लिली से पता चलता है कि जीनियन तो युआन के बर्थडे पार्टी के लिए केक डिलीवर करने गई है और उसे मैंग ने जानबूझकर बुलाया है। जब वो उसके साथ कुछ तो गड़बड़ करने वाली होगी, तो ये पता लगने पर हुली भागकर युआन के पार्टी प्लेस के लिए निकलता है। वहीं इधर मैंग तो जीनियन को बुली करने ही लग जाती है। वो अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि जीनियन ही वो रिपोर्टर थी जिसने हुली की वो रिकॉर्डिंग लीक की थी और उसके बारे में आर्टिकल में भी लिखा था, जिससे वो सारी लड़कियां तो उस पर टूटी पड़ती है। केक टेस्ट करने के बहाने उस पर केक फेंकने ही लग जाती है। जीनियन केक डॉज कर जाती है, जिससे केक जाकर मैंग के कपड़ों पर गिर जाता है। इसके बाद तो उनकी केक फाइटिंग शुरू हो जाती है। उसी बीच हुली पहुंच जाता है एक फ्लायर वाले की ड्रेस पहनकर और जीनियन को उनके केक से प्रोटेक्ट करता है। सारे केक्स का सत्यानाश करने के बाद दोनों भागकर बाहर आ जाते हैं। तो हुली उस ड्रेस के अंदर कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए जीनियन वो ड्रेस उसे हटा देती है और उसके फेस को कवर कर लेती है ताकि कोई उसे देख ना ले। पर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर स्माइल करने लगते हैं। वहीं जीनियन तो हुली की तरफ और अट्रैक्ट होने लगी थी। इन कैफे पहुंचने पर जीनियन को बर्थडे सरप्राइज दिया जाता है, जहां उसे गिफ्ट में नया ड्रेस नए सैंडल्स मिलते हैं। इन्हें पहनकर वो सारे धूमधाम से उसका बर्थडे मनाते हैं और हुली और जीनियन डांस भी करते हैं। जीनियन ने तो ड्रिंक कर लिया था, जिस वजह से हुली उसे पिगीबैक राइड देकर घर ले आता है और उसे उसके रूम में सुला देता है। पर जीनियन उससे अपना गिफ्ट मांगती है, तो हुली उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा गिफ्ट करता है, जिससे जीनियन तो बहुत ही खुश होती है। एक तो वो नशे में थी, दूसरी वो बहुत खुश थी, इससे एक्साइटेड होकर वो हुली को किस कर लेती है और उसे सुबह तक उसके पास ही रहने के लिए कहती है। तो सुबह हुली को अपने पास होता हुआ देखकर जीनियन भागने की कोशिश करती है, पर हुली उसे रोककर थोड़ी देर और सोने के लिए कहता है क्योंकि वो कल रात काफी देर तक जगी थी। पर जीनियन तो शर्म से मरी जा रही थी, इसीलिए वो भागकर काम के बहाने चली जाती है। इधर डोंगजन फैटी को हुली का सामान पैक करते हुए देख रहा था, जो कि वो जीनियन के कैफे डिलीवर करवाने के लिए दे रहा था। पर डोंगजन उससे वो सारा सामान ले जाता है, कहता है कि वो सारा सामान जीनियन के कैफे पहुंचा देगा। डोंगजन वो सारा सामान लेकर पहुंच जाता है जीनियन के कैफे, जहां वो हुली और जीनियन को एक साथ देख लेता है। डोंगजन को यहां देखकर जीनियन जल्दी से हुली को कैफे के अंदर रहने के लिए कह देती है और डोंगजन से बात करने के लिए चली आती है। तो डोंगजन उसका सारा सामान बाहर निकाल देता है और स्पेशली हुली का सबसे स्पेशल हेलमेट उसे निकाल कर देता है। उन दोनों के ऐसा करीब देखकर हुली तो बाहर आ जाती है।
आता है, जिसे देखकर डोंग चेन जीनियन से कहता है कि मेरे साथ लंच करने चलो, मुझे होली के बारे में कुछ बात करनी है। जीनियन समझ चुकी थी कि डोंग चेन को पता चल गया, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। तो डोंग चेन उसे सब कुछ बता देता है, उसने और यांगजे ने मिलकर ही होली को बचाया है, यांगजे उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था और उसके जिंदा रहने से मुझे ही फायदा होगा। उसकी बस एक ही डिमांड है कि होली वापस से कंपनी में ना आए, इस बात का बस जीनियन को ध्यान रखना है। इधर डोंग चेन को देखकर होली को वो कुछ जाना पहचाना लगता है, पर वहीं वो उससे जेलस भी था। ऊपर से लिली अपनी बातों से उसे और कंफ्यूज कर देती है, जिससे होली को लगने लगता है कि जीनियन डोंग चेन को लाइक करती है। जीनियन वापस आने पर होली से बात करने की कोशिश करती है, पर होली भाई साहब तो जेलस थे, वो तो उसे इग्नोर ही कर रहा था। पर जीनियन तो धमका कर उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है। सोच रहा था कि जीनियन डोंग चेन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में बताएगी, वो उसकी बात सुनने के लिए थोड़ा टाइम लेता है कि वो खुद को प्रिपेयर कर सके। जीनियन जैसे ही बताने जाती है तो भाई साहब तो अपना कान बंद कर लेता है और चिल्लाने ही लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। जीनियन आखिरकार उसे बताई देती है कि डोंग चेन को तुम्हारे बारे में पता चल गया, उसने तुम्हें पहचान लिया है। बस इतना ही बताती है, सीन रात को शिफ्ट होता है। होली सोचने लगता है कि डोंग चेन ने मुझे पहचान लिया, इससे क्या मतलब था, वो तो एक सुपरस्टार है, फिर वो मुझे कैसे पहचानेगा। तो इस बारे में जानने के लिए वो जीनियन के रूम जाता है। उसे सोता हुआ देखकर वो उसके फोन को अनलॉक करके बाहर ले आता है और डोंग चेन के बारे में सर्च करता है, जिससे उसे अपने बारे में भी पता चल जाता है कि वो होली है और न्यूज के अकॉर्डिंग उसकी मौत हो चुकी है। जो देखकर होली तो शॉक्ड था ही, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीनियन ने उसे अपने साथ क्यों रखा है। अगली सुबह होली अपने ही गाने सुन रहा था, जिससे जीनियन जग जाती है और सोचने लगती है कि कहीं से सब कुछ याद तो नहीं आ गया। होली से पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताता, पर वो जीनियन से कहता कि अगर डोंग चेन मुझे जानता है तो उसे खाने पर बुलाओ, हो सकता है उसके साथ बात करने पर मेरी मेमोरीज वापस आ जाए और तुम भी तो यही चाहती होगी। अब जीनियन तो उसकी ये बात मना नहीं कर सकती, वो डोंग चेन को कॉल करके इस बारे में बताती है और उसे सामने से मिलने आने से मना करती है। डोंग चेन तो उसे एक एड्रेस सेंड करता है और वहाँ उसे लेकर आने के लिए कहता है। ये दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं, डोंग चेन होली की बाइक के साथ एंट्री मारता है, जो देखकर होली कहता है शादी से मैंने पहले भी देखा है, तो मुझे मेरी ही बाइक लग रही है। डोंग चेन कहता है हो भी सकता है, ये कहकर उन्हें अंदर बुलाता है, जहाँ होली के साथ उसकी जबरदस्त बॉक्सिंग मैच होती है, जिसमें होली डोंग चेन की बैंड बजा देता है और उसे कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक तू सेकंड ही रहेगा। कहकर वो लॉकर रूम चला जाता है, जहाँ थोड़ी देर में डोंग चेन भी आता है। होली उसे डायरेक्टली पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, जीनियन के घर कैसे पहुंचा और डोंग चेन जीनियन के साथ मिलकर क्या करना चाहता है। इस पे डोंग चेन कहता है तो उसके घर कैसे गया ये तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है ये तेरी किस्मत होगी, और जीनियन ने तुझे अपने घर क्यों रखा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तुझे उसी से पूछना होगा। पर तुझे तो पहले ये पता करना चाहिए कि तूने आखिर सुसाइड क्यों किया, न्यूज में तो दिखा रहे थे कि तुझे डिप्रेशन थी, पर तेरी किसी भी सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, ना ही तेरे पास है, क्योंकि तेरी मेमोरीज चली गई है, इसलिए अगर तुझे कुछ भी पूछना है तो जिसने तुझे छुपाया था उससे जाकर पूछ। होली बाहर जा रहा था कि डोंग चेन पूछता कि क्या तू अपने फेम को पाने के लिए वापस आएगा। होली कहता है तू अपनी चिंता कर, अगर मैं वापस आया तो दोबारा से तेरे से सब कुछ छीन जाएगा। फिर बाहर जीनियन तो काफी देर से वेट कर रही थी, काफी देर से जब दोनों बाहर नहीं आते तो वो कान लगाकर सुनने लग जाती है। वही सोचने लगती है कि अगर डोंग चेन बेचारे होली को परेशान कर रहा होगा तो उस वक्त के साथ एंट्री मारी गई डोंग चेन को मारपीट कर होली को बचा लेगी। पर तभी होली गुस्से से बाहर आता है और जीनियन से बिना कुछ कहे ही बाहर चला जाता है। डोंग चेन आकर जीनियन को बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया, अब तुम्हें उसे जाकर हैंडल करना पड़ेगा। जीनियन भागते हुए उससे बात करने जाती है, होली कहता है वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तभी डोंग चेन आकर उसे उसकी बाइक की लौटाता है। होली जीनियन को अपने साथ बिठाकर उसके घर ले जाता है, जहाँ होली बस उसे झूठ बोलने के लिए गुस्सा था। तो जीनियन उसे सब कुछ सच बता देती कि उसे ऐसा क्यों करना पड़ा और उसके AI होने के बारे में नहीं बताती। तो होली पूछता है क्या सिर्फ तुम्हें मेरे लिए गिल्टी फील होता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान देने की कोशिश की होगी या फिर तुम कुछ और भी फील करती हो। जीनियन तो उसे कुछ भी नहीं बता पा रही होती है, बस उसे सॉरी सॉरी ही कहे जा रही थी। होली कहता है मैं तुम्हारी सॉरी नहीं सुनना चाहता, मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए गिल्ट के अलावा और कोई फीलिंग है या नहीं। कहकर वो उसे अपना लव कन्फेशन करता है और जीनियन को अगर किस करता है। इसी के साथ पार्ट 4 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ये ड्रामा आपको अच्छा लग रहा है तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट्स आपसे मिस ना हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना @kdrama+77, जहां जल्दी ही 10K फॉलोअर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।